हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल रिकॉर्डर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है सेवा आयोजन पोर्टल से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग वैकेंसियां फिलअप की जाती हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ क्या होती हैं। आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ वह वैकेंसी होती है जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बाहर सोर्स से एम्प्लॉय को रखा जाता है थर्ड पार्टी के माध्यम से। दोस्तों, गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं रख सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय वर्किंग होगा वो गवर्नमेंट में रेगुलर एम्प्लॉय का दावा कर सकता है। दोस्तों, इसलिए गवर्नमेंट थर्ड पार्टी के माध्यम से किसी भी एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में रखती है। दोस्तों, सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रकार के पदों को भरा जाता है। दोस्तों, इस पे काफ़ी अभ्यर्थी वैकेंसी नहीं देख पाते हैं, किसी का इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी के पोर्टल पर इसमें वैकेंसी शो नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन आपके सारे डाउट से क्लियर करूंगा, आपको कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और आपको आपके पोर्टल पर कैसे वैकेंसी शो होगी और आपको नंबर ऑफ वैकेंसी कैसे देखना है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और उनके पोर्टल पर एक ही दो वैकेंसी शो होती है। तो दोस्तों, मैं आपको ओवरऑल वैकेंसी को पहले दिखाऊंगा कि आप लोग ओवरऑल वैकेंसी कैसे देख पाएंगे। दोस्तों, अभी मैं हूँ सेवा आयोजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, आपको जाना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर, जो कि इसमें आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है जॉब सीकर, दूसरा है आपका आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, और तीसरा है आपका गवर्नमेंट जॉब, और फिर रोजगार मेला। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में तो आप लोग को पता होगा, जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं आपको अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब का पता चल जाता है। दोस्तों, आप लोग जॉब सीकर पर जाएंगे तो आपका अपना यूजर आईडी पासवर्ड से आपको अपना पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ओवरऑल वैकेंसी देखने के लिए आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक करना होगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक किया था तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसमें वैकेंसियां शो होने लगी हैं। आपकी 10 वैकेंसियां इनिशियली शो होंगी, फिर आपको और पेजेस पे जाना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पेजों की संख्या आपकी काफ़ी दी गई है। जो अंतिम पेज है वो आपका 28 अंतिम पेज है। दोस्तों, इसमें आपका 10 वैकेंसियां शो हो रही हैं। आप लोग को अपने हिसाब से इसमें वैकेंसी देख लेनी है। इन 10 वैकेंसी में आपके लायक कोई वैकेंसी है तो आप लोग इसमें आवेदन करें पे जो लिखा है उस पर आप क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पूरे पोर्टल की वैकेंसी कैसे देखनी है, आपको जाना है जो प्रश्न संख्या आपकी 10 है उसमें आपको 100 कर लेना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने 100 पेज किया है तो आपकी 11 से लेकर 100 तक टोटल वैकेंसियां शो होने लगी हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हर टाइप के पोस्ट हैं। आपका मेडिकल से संबंधित भी वैकेंसी है, आपका टीचर से संबंधित भी वैकेंसी है, आपका ग्रेजुएट लेवल पर भी वैकेंसी है, और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी है, और आपका एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर जो आपकी ग्रेजुएट या फिर स्पेशल डिग्री के आधार पर होती है। तो दोस्तों, आप लोग इसमें अपने योग्यता के आधार पर वैकेंसी को देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि नीचे आपका 100 वैकेंसियाँ शो हो रही हैं। उसके बाद भी आपकी जैसे 200, 300, 400 वैकेंसियाँ पोर्टल पर होती हैं तो आपको कैसे देखना है। दोस्तों, अब आपको जाना है पेज नंबर 2 पर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसमें नेटवर्क इशू की वजह से पेज नंबर 2 ओपन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, अंतिम पेज दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अंतिम पेज पर क्लिक किया है तो इसमें ओवरऑल वैकेंसियाँ ओपन हो गई हैं। दोस्तों, आप लोग पेज 100 करेंगे तो आपकी 100 तक वैकेंसी ओपन होगी, आप पेज नंबर 2 करेंगे तो आपकी 200 तक वैकेंसी होगी। मैंने अंतिम पेज किया है तो आपका 200 से लेकर 276 तक आपकी वैकेंसी इसमें ओपन हो गई है। दोस्तों, जो अभी आपकी वैकेंसी लोड की गई है, जो अपलोड की गई है, जिसमें कि आपके आवेदन करने के लिए 20 घंटे बचे हुए हैं, आपकी सारी वैकेंसियाँ इसमें शो हो रही हैं। दोस्तों, आप लोग इसको वैकेंसी को एक एक करके देख सकते हैं, आपकी योग्यता के आधार पर आपके लिए कौन सी वैकेंसी है और आपकी लोकेशन के आधार पर आपके लिए कौन सी वैकेंसी सुटेबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सेवा आयोजन पोर्टल की वेबसाइट को रेगुलर वॉच करना होगा, तभी आप लोग अपने जो आपके हिसाब की वैकेंसी है, जो आपके लिए अच्छी है और जो आपकी योग्यता के आधार पर है, आप लोग देख सकते हैं। या फिर आप दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं सेवा आयोजन पोर्टल से संबंधित सारी वैकेंसियों की अपडेट दूंगा और मैं देता हूं, अपने नियमित वीडियो भी लाता हूं समय समय पर। जैसे कि अभी मैं टेक्निकल के लिए वीडियो ला रहा हूं, आप लोगों का कमेंट आएगा, आपको रिक्वायरमेंट होगी सभी वैकेंसी के लिए, तो मैं उस प्रकार के भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको पता चल गया होगा कि सेवा आयोजन पोर्टल पर सारी वैकेंसियाँ कैसे देखी जाती हैं। दोस्तों, वर्तमान में अभी जो आपकी सबसे पॉपुलर
वैकेंसी है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की है, जो कि जनपद वार निकाली जा रही है। कई जनपदों की वैकेंसियाँ निकल चुकी है और कई की निकलना बाकी है। दोस्तों इसका काम बहुत फास्ट होता है, आप लोग आवेदन करते हैं, आपका एक महीने के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। और दोस्तों अभी जो और दूसरी वैकेंसी है वो आपकी ITI इंस्ट्रक्टर की भी जनपद वाइज अलग अलग वैकेंसी निकल रही है, आप लोग उस पर भी जाके देख सकते हैं। और भी कई इसमें वैकेंसियाँ रहती हैं, अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, काफ़ी पे स्केल की वैकेंसियाँ हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों आपको सेवाजन पोर्टल पर अपना ID कैसे बनाना है, आपको जॉब सीकर पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोग जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें आपका यूजर ID पासवर्ड वगैरह डालने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों आपको नीचे जाना है, इसमें आपको जॉब सीकर साइनअप, एम्प्लॉयर साइनअप और आपका जॉब सीकर में साइनअप करना है तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना होगा। अगर आप कोई कंपनी या थर्ड पार्टी जो एजेंसीज होती हैं वो हैं तो आपको एम्प्लॉयर पर करना होगा। आपको जॉब सीकर हैं, आप जॉब खोज रहे हैं तो आपको फर्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसमें आपका साइनअप करने के लिए आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा और स्टेप बाई स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। दोस्तों इसमें आप लोग अपना पर्सनल डिटेल डालकर आगे बढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका लंबा चौड़ा फॉर्म रहेगा एजुकेशन का, आपका एक्सपीरियंस का, आपके पास कोई अगर कौशल से संबंधित डिप्लोमा है उसका भी रहेगा, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ आपका फिलअप होगा। उसके एक दिन बाद आपकी जो ID है वो आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने अगर इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब करनी है तो आप लोग इस जो पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसियां इसी के माध्यम से भरी जाती हैं, आपको आपके नियरेस्ट आपकी जॉब मिल सकती है। और दोस्तों आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को जोड़ें, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोग जानते हैं काफ़ी मेहनत लगती है। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।